हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बटरफ्लाई फ्राई पैन व्यू। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं इसका रिव्यू। मैंने रिव्यू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, और ये मुझे 800 रुपये का पड़ा है। और ये इसमें हमने जो जो इसका टाइप है वो तीन टाइप का है, तो हम तीनों को रिव्यू करते हैं। तो चलिए हम पहले बाहर इसको निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं ये जो इसका तावा बोलते हैं, ये तावा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और एक और इसका है ये आप देख सकते हैं, ये भी तावा ही टाइप का है। इसमें हम सब्जी बना सकते हैं दो चार लोगों के लिए, तो ये भी मजबूत है, काफ़ी मस्त है। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और एक है इसका कढ़ाई, तो कढ़ाई को भी हम करते हैं बाहर इसमें से, और उसके बाद से हम बताते हैं कि कैसे करते हैं। तो चलिए पहले बाहर निकाल लेते हैं इसको कैटलिन से। ये है इसका कढ़ाई, तो चलिए हम इसको हटाते हैं साइड डब्बा को और इसको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी इसमें जो कुछ भी हैंडल आता है ये अलग से आता है, मतलब इसमें अलग रहता है, हमें घर पे जो होता है इसको लगाना होता है। तो हम पहले कढ़ाई को देख लेते हैं। ये है इसका ढक्कन, ढक्कन जो है काफ़ी मजबूत है, और ये जो है कांच का है, कांच का इसका ट्रांसपेरेंट ढक्कन है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है। और ये पकड़ने वाला जो ऊपर का जो हुक है ये भी काफ़ी मजबूत है। और इसको हम करते हैं अब साइड। अब बात करते हैं इसकी कढ़ाई की, तो आप देख सकते हैं कढ़ाई जो है बटरफ्लाई का, ये कढ़ाई काफ़ी मस्त है, काफ़ी मस्त है। पीछे से आप देख सकते हैं, ये आप गैस जो होता है वो उस पर भी आप लोग इस पर बना सकते हैं। और इसके लिए जो स्पेशल जो आता है हमारा इंडेक्स, इलेक्ट्रिक इंडक्शन आता है, उस पर भी ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन के लिए बेसिकली बनाया गया है, तो गैस पे भी हमारा आसानी से काम करता है। और दो इम्पोर्टेंट बात और इसको इसमें बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। और अब बात करते हैं इसके, ये जो तावा जैसा दिया हुआ है जिसमें हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं, थोड़ा और दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं अंदर काफ़ी जो है जो केमिकल यूज किया गया है, काफ़ी मस्त केमिकल यूज करके इसको बनाया गया है। अंदर काफ़ी चिकनाहट है, इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही ऑयल में बन जाएगा इसमें। तो आप पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, काफ़ी मस्त इसका लुकिंग है पीछे की तरफ से, ये पूरा रेड कलर का पेंट किया गया है। और ये इस पर भी धारिया है, ये देख सकते हैं, और पास से दिखाता हूँ, काफ़ी मजबूत है। अब इसके तावा को बात करते हैं, जो तावा है, तो अब तावा देख सकते हैं आप, ये है इसका तावा और ये इसका हैंडल, सारा चीज़ इसका जो हैंडल आप देख रहे हैं, ये इसका हैंडल, ये भी बाहर से आता है। तो हमने जो भी रिव्यू कर रहा हूँ मैं, इसको नट बाल्टू है इसका, हम लोग हमने कस दिया है उसके बाद से रिव्यू कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये पीछे की तरफ इसका, ये जो तावा है इसका ऐसे कुछ लुक है। और आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये काफ़ी अंदर का मुलायम है, स्मूथ है, इसमें काफ़ी कम तेल लगेगा और खाना तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब इन तीनों को हम पास करके दिखाते हैं। ये है हमें तीन जो पड़ा है हमारा तीनों, ये 800 रुपये का पड़ा है। तो ये है हमारा तीनों, आप देख सकते हैं, ये है जो है हमारा 800 रुपये का पड़ा है। और दोस्तों इसका यूज करने का जो मेथड है, वो हम जब भी यूज करते हैं या फिर गैस पे या फिर हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे करते हैं, तो जब ये हॉट होता है, गर्म होता है, तब इसके गर्म के समय ही नहीं इसको धोना है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए कुछ भी बनाने के बाद, उसके बाद से हमें ठंडा पानी से धोना है, गर्म पानी से नहीं। आप देख सकते हैं जो भी इसमें का अंदर का जो मटेरियल यूज किया गया है वो ख़त्म होने लगेगा, और जो इसका स्मूथनेस है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए जब भी ये गर्म हो तो ठंडा होने के बाद ही इसको धोएं, तो काफ़ी लंबे समय तक ये जाएगा। और बाकी सब ठीक है, मेड इन इंडिया है, हमारे भारत में ही बना है, बटरफ्लाई का है, तो आप मंगा सकते हैं, काफ़ी हेवी है।
और भी कुछ जो भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।